can see video. So it's time for shoot. अपनी मर्जी से टेक्स्ट, टाइटल, फोटोज, बैकग्राउंड लगा सकते हो और ये इस वीडियो का थंबनेल तैयार हो रहा है। और प्रैक्टिस करती हूँ।
इसके लिए मेरी एक रफ नोटबुक है ये वाली और एक डायरी है। जिसमें मैंने चेकलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो जो जो मैंने अपनी वीडियो में बोलना है और कंटेंट देना है वो लिख रखा है। तो इससे काम हो जाता है आसान और इसे लिखने के लिए मैं मम्मी पापा की भी हेल्प लेती हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मैं कौन कौन सा सामान यूज करती हूँ। तो सबसे पहले है कैमरा। तो इसके लिए मेरे पास है दो फोन। तो पहला फोन है ये Realme 6 जिससे मैं शूट कर रही हूँ और दूसरा फोन है ये Realme C11 और उसके बाद इम्पोर्टेंट है माइक। तो एक तो है मेरे पास आईबॉल का माइक जो कि पीसी और लैपटॉप के साथ कंपैटिबल है और डबिंग के लिए भी बहुत काम आता है और आप नॉर्मल ईयरफोन्स के माइक भी यूज कर सकते हो। और इसके अलावा आउटडोर शूटिंग्स के लिए स्टैंडी है और मेरे पास एक्स्ट्रा ये रियलमी के बर्ड्स भी हैं जो कि मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिले थे। और ये एक और हेडफोन्स हैं। तो मेरा ये सभी चीजें दिखाने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपकी रूटीन वाली ही हैं, जैसे कि मोबाइल हेडफोन वगैरह वगैरह। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे जो कि है हर वीडियो का मेन कंटेंट, चाहे वो आउटडोर शूटिंग है और चाहे वो इंडोर शूटिंग है। जैसे कि ये वीडियो इंडोर शूटिंग है, उस कंटेंट को एक जगह पे इकट्ठा करना, उसकी एडिटिंग करना, एक्स्ट्रा नॉइज हटाना, क्लीनिंग करना, स्पेशल इफेक्ट्स डालना, इन सब के लिए मैं यूज करती हूँ एक फ्री सॉफ्टवेयर जिसका नाम है काइन मास्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो मैं फिर इन वीडियो और थंबनेल को ट्रांसफ़र करती हूँ पीसी में। ट्रांसफ़र होने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो ये थे वो सारे प्रोसेस जो कि हम फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि एक चैनल कैसे सक्सेसफुल होता है, तो प्रोसेस तो काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये काम कैसे करता है तो इसके लिए मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई है, सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं लाइफ टाइम काम आने वाली है। अक्सर मुझे कई रिलेटिव्स और फ्रेंड्स पूछते हैं कि सीक्रेट क्या है। तो सबसे पहले आती है कंसिस्टेंसी। जब से हमारा ये चैनल बना है मैंने हर हफ्ते आपके लिए वीडियो डाली है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर
आप हम पे ट्रस्ट करते हैं और हर संडे हमारी वीडियो की वेट करते हैं, तो कभी मैंने अपनी कमिटमेंट मिस नहीं की। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए और नई एंटरटेनमेंट के साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट देती रही हूँ। और ये कंसिस्टेंसी आती कहाँ से है? ये आती है ऑथेंटिसिटी से। इसका मतलब है आप कुछ ऐसा करते हो जो कि नेचुरल हो और आपके अंदर से आता हो। जैसे कि मेरे लिए वीडियो बनाना ऐसा नहीं है कि अरे आज फिर वीडियो बनाने पड़ेगी। मैं पूरी इंजॉयमेंट के साथ वीडियो बनाती हूँ और बिल्कुल नेचुरल रहती हूँ। जैसे कि अब रात के 2 बज चुके हैं, आपको मिरर इमेज दिख रही होगी और दिन भर मैंने अपनी स्टडी की है। इस समय सारा एनवायरनमेंट शांत है और कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा और मैं पूरे एंजॉय कर रही हूँ। आप भी सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो और या आप किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं या मुझे कुछ गाइड करना चाहते हैं। तो इस बार मैं ज़्यादा इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी बहुत मेहनत लगी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो जाते जाते दो बिहाइंड का सीन जरूर देख के जाना, उसमें आपको मेरा कैमरामैन नजर आएगा। भाई साहब उठो, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं यार। रुक, तू YouTube देखता है? एक गाना सुन ले। रुक, जल्दी चलाओ, तुझे गाना चलाओ।